जनता पार्टी सदर विधायक श्री प्रकाश त्रिवेदी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की हज एवं वक्फ बोर्ड। ये लगता है कि जनभावना का सम्मान कब नहीं होता, कहाँ नहीं होता है, और उन्होंने अगर कहा है वो भी हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और जनभावना का सम्मान होना चाहिए। हम उनकी बात से सहमत हैं। राम मंदिर पे काम, मैंने कहा कि जनभावना का सम्मान होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है उसको, या सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात साफ तौर पर कही है। मैं तो अपने तमाम समाज के लोगों से आह्वान करूंगा, और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आप बाहर बैठकर इस मसले का हल करना चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम एग्री हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए और आके अगर आगे बैठकर वो बात करें तो हल, कोई भी चीज़ का हल, न्यायालय भी तो हम हल निकलवाने ही गए हैं ना, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस बात का भी हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने आपके बीच में बॉल रखी है कि आपके गोल पोस्ट में है बॉल, अगर आप चाहेंगे तो बैठकर आप बात कर लें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसको हम स्वागत करते हैं। चार राज्यों के भी पोल नतीजे बता रहे हैं कि मोदी जी का जलवा बिखरने लगा। किसने कहा आपसे? आपने एग्जिट पोल की बात करी, ठीक है, ये आप की बात से मैं यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ कि एग्जिट पोल पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रही बात उनके जलवे बिखरने की, तो जलवा तो उनका पूरी दुनिया में बिखर चुका है और जलवे को कोई अब कम नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि विकास के तहत उनका जलवा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने श्रृंगार करके नहीं बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने विकास का श्रृंगार किया है पूरे देश का, इसलिए उनका जलवा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन एग्जिट पोल को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 15 साल के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है। अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ता दिख रहा है और कोई नहीं है मैदान।